हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोच हरनीत और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए PCOS PCOD का डाइट प्लान, जो कि एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट प्लान है। ये सब चीज़ें जो मैं आज की डाइट प्लान में आपको इंक्लूड करके बताने वाली हूँ, आपकी अपनी किचन में बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। हमें कुछ चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें डेयरी अवॉइड करनी है, कोई भी रिफाइंड पैकेज चीज़ जो आती है वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी। नॉर्मल घर का खाना और आपका वेट छू मंथरू आपको नजर आएगा। जी हाँ, ट्राई करके देखें। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर आपने 2 महीने इन गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करा तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। शायद आपने पहले बहुत कुछ ट्राई करा होगा, पर जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके रिजल्ट्स सच में और ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसे फॉलो करा है, 20 से 25 किलो तक वेट लॉस भी किया है। तो इसमें हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है। रात को कोशिश करें मैक्सिमम अराउंड 10 बजे तक सोने चले जाएं, सुबह 6-6:30 बजे उठने की कोशिश करनी है। स्ट्रेस अपना लो रखना है, क्योंकि PCOS PCOD आइडली कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारा खाने पीने का तरीका, हमें इनफ रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, हम लोग ओवरऑल अपनी बॉडी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। जब हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है तो ही हमें ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। और आजकल देखा जाए तो हर 5 में से 1 फीमेल को ये PCOD PCOS की शिकायत है, और इन फीमेल्स को कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करें। इसके कारण फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, और दिन भर आपको स्लीपी फील होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर हम में से किसी को भी ये सब नहीं चाहिए, और अगर हो गया है तो इसको ठीक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के डाइट प्लान से। सबसे पहले सुबह 6-6:30 बजे उठ करके लेंगे हम अपनी एम्प्टी स्टमक लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं हल्दी का पानी, दैट इज टर्मरिक वाटर, या आप ले सकते हैं मेथी वाटर। सो इसमें आप मेथी सीड्स 1 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको सुबह ही उठकर बना रहे हैं तो थोड़ा सा बॉयल देंगे, ल्यूक वॉर्म होने पर इसको आप पी लेंगे। अगर आपके पास करी लीव्स इजीली अवेलेबल है तो आप करी लीव्स वाटर भी ले सकते हो। कड़ी पत्ता जो होता है उसको बॉयल करके पानी में ठंडा होने पर उसको कंज्यूम कर सकते हो, नहीं तो करी लीव्स का पाउडर मिल जाता है, आप उसको पानी में मिला के सुबह खाली पेट से ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद लेना है अपना ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि अपनी एक्सरसाइज को नहीं भूलना है। क्या एक्सरसाइज आप करें, मैंने नीचे लिंक में आपको पूरा वर्कआउट प्लान दिया हुआ है। PCOS PCOD वाली महिलाओं को कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करती जिससे करनी है जिससे बॉडी पे स्ट्रेस आए, स्ट्रेन आए। आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उसको बहुत ही नॉर्मली, एक डूएबल तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को थका करके नहीं करना, आराम से करना है। आप कम करें, कम ही ज़्यादा है, मतलब हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, पर ऐसा नहीं करना कि बस आज ही का दिन है सारी एक्सरसाइज आज ही कर लें। एक्सरसाइज टाइम कट कर लिए टाइम नहीं है तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। मतलब इन शॉर्ट, एक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इससे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं दे सकती, पर ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट हमें रखना है प्रोटीन रिच। आज के डाइट प्लान में मैं ज़्यादातर चीज़ें जो आपको बताऊंगी सब प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड नहीं है, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा हेल्पफुल है PCOS PCOD को रिकवर करने में। एंड इसके अलावा हम इसमें डेयरी बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो आज का डाइट प्लान है इसमें आप कहीं भी डेयरी नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो मॉर्निंग में हम क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं वेजिटेबल पोहा, जिसमें खूब सारी आपको वेजिटेबल्स डालनी है। आपको साइड बाय साइड इसका प्रोसेस मेथड भी दिख रहा है। सिमिलर इसी मेथड से आप बना सकते हैं वेजिटेबल उपमा, नहीं तो आप बना सकते हैं वेजिटेबल चीला। आपको वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको हिसाब बताऊं तो हाफ आपकी वेजिटेबल्स होगी और हाफ आपका दूसरा चाहिए। अगर आप उपमा ले रहे हो तो हाफ आपकी सूजी होगी, अगर आप पोहा ले रहे हो तो हाफ आपका पोहा होगा। और आपको अगर हिसाब में बताऊं तो 30 ग्राम्स पोहा ले सकते हैं रेस्ट ऑफ दी वेजिटेबल्स, 30 ग्राम सूजी ले सकते हैं रेस्ट ऑफ दी वेजिटेबल्स, अगर चीला बना रहे हैं तो 30 ग्राम बेसन ले सकते हैं, एंड रेस्ट ऑल बाकी के आपके सब वेजिटेबल्स होंगे। राइट, इसको कंज्यूम करने के बाद हमारा आ जाएगा मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको एक ग्रीन स्मूदी। इसमें क्या डालना है आपको?
आपको डालना है एप्पल, ऑरेंज, पालक के कुछ पत्ते और जिंजर। सो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है, आपके पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करता है। प्लस पीसीओएस पीसीओडी वाले लोगों को ना इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बहुत ज़्यादा आती है बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड रहती है बॉडी, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। सो एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक तरीके से मैं कहूँगी एक मैजिकल ड्रिंक है ये आप लोगों के लिए, राइट। अब आ जाता है हमारा लंच का टाइम। लंच के टाइम में बहुत कोई अपने को बंदिशों में नहीं डालना है, आप किसी भी प्रकार के राइस ले सकते हैं। आपको व्हाइट राइस अच्छे लगते हैं, व्हाइट राइस लीजिए, आपको ब्राउन राइस अच्छे लगते हैं, ब्राउन राइस लीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेटर है या व्हाइट राइस ब्राउन राइस से बेटर है, दोनों बिल्कुल इक्वली गुड है। आप किसी भी प्रकार के राइस लीजिए, साथ में किसी भी प्रकार की दाल ले लीजिए। दाल ज़्यादातर जो मैं प्रेफर करती हूँ रेकमेंड करना वो है आपकी येलो मूंग दाल या फिर आपकी अरहर दाल या फिर आपकी मसूर दाल, क्योंकि इनका कैलोरी थोड़ा कम रहता है। आप खिचड़ी भी ले सकते हैं साथ में लीजिए एक अच्छा, अगर हो सके तो जो भी आपको सीजनल सैलड उस टाइम पे अवेलेबल है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, जो भी आप इंजॉय करते हैं उसको साथ में ज़रूर लें, राइट। अब आ जाते हैं अपने इवनिंग स्नैक पे। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं एक कप ग्रीन टी या एक कप ब्लैक कॉफी, साथ में 8 से 10 मखाना या फिर रोस्टेड बादाम या फिर रोस्टेड अखरोट या फिर मिक्सचर ऑफ मिक्स नट्स ले सकते हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आपकी ये सारी सीड्स का मिक्सचर आपको बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अपने इवनिंग स्नैक के बाद दोबारा से एक बारी हम लोग इवनिंग वॉक जरूर करेंगे। सो अगर आपने इवनिंग वॉक सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करी है तो शाम में इवनिंग वॉक करें, अगर सुबह में एक्सरसाइज करी है तो शाम को वॉक करें, अगर सुबह में वॉक करी है तो शाम को एक्सरसाइज जरूर करें। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैंने बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस की रूटीन बनाई हुई है, आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगी मैं एक्सरसाइज रूटीन के, इनको जरूर फॉलो करें। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आप ये डाइट नेक्स्ट 2 मंथ तक फॉलो करते हैं और जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ आप इसको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपका वेट लॉस 100% होगा ही होगा। नहीं हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, अगर आपको बाल झड़ने की शिकायत है, स्किन इश्यूज है, ये सब रिजॉल्व होएंगे, और इस चीज़ को मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। आ जाते हैं अब अपने डिनर पे। डिनर हमें 6 से 7 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेना है, इसे लेट नहीं करना है। डिनर में आप क्या खाएंगे, आप काबुली चना सैलेड खा सकते हो, आप राजमा का सैलेड बना सकते हो, तो आप काबुली चना ले रहे हो या राजमा ले रहे हो, उसके साथ काफ़ी सारे आपका खीरा हो गया, आपका टमाटर हो गया, या जो भी आपके सीजनल सैलड्स अवेलेबल हैं वो मिक्स कर सकते हो। इसमें बीच में अनार डाल सकते हो, आप एप्पल डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको पसंद है किसी भी तरीके का वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको आपको सैलड्स की बहुत सारी रेसिपीज मैंने पीछे भी दी है, किसी भी प्रकार का आप सैलड ऐड करें, एक बोल सैलड ले सकते हो, नहीं तो आप सूप ले सकते हो, वेजिटेबल क्लियर सूप ले सकते हो, आप टोमेटो सूप ले सकते हो, आप दाल सूप ले सकते हो, आप किसी भी प्रकार का सूप भी ले सकते हो। सो ये हो जाएगा हमारा डिनर। एंड डिनर के बाद आधे घंटे बाद चाहे अपने घर के अंदर में या अगर आपके पास बाहर अच्छा एरिया अवेलेबल है, एक नॉर्मल 15-20 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें, आपकी डाइजेशन को ये बहुत बहुत सपोर्ट करता है। एंड बाय 10-10:30 मैक्सिमम सोने चले जाएं। सोने से पहले अगर जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा मैं हमेशा एक डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में मेंशन करती हूँ, सो आप सोने से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे भूख लग सकती है या फिर मुझे कुछ पीने की आदत है, कई लोगों को रात में चाय कॉफ़ी दूध ये सब पीने की आदत होती है, तो ये सब नहीं पीना है। आप क्या पियेंगे, आप ले सकते हैं सिनेमन, 1/2 इंच सिनेमन लीजिए, अदरक लीजिए, इसको बॉईल कीजिए, इसमें सौंफ डाल सकते हैं, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी में जो भी सूजन है उसको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इसको बॉईल कीजिए, एक अच्छा बॉईल दीजिए 1-2 मिनट, उसके बाद थोड़ा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें एंड एन्जॉय दिस टी। इससे आपको रात में भूख नहीं लगती क्योंकि सिनेमन में फाइबर बहुत हाई रहता है, सो आपको भूख नहीं लगती है। एंड ये आपके डाइजेशन में सौंफ के कारण आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो कई लोगों को अगर डाइजेशन के इश्यूज हैं, एसिडिटी इश्यूज हैं, किसी भी प्रकार के इश्यूज हैं, ये सब कुछ सॉल्व कर सकता है। तो लीजिए आपकी डाइट आपके सामने है।
आप अगर ये डाइट फॉलो करने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करें आपके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स आने के बाद जरूर मेंशन करें। मैं दोबारा से मेंशन करूंगी, अगर आपने ये डाइट 2 महीने फॉलो करी, वर्कआउट्स को 2 महीने फॉलो करा, मैं चैलेंज करती हूँ कि आपका वेट बहुत काफी सारा वेट अच्छा से अच्छे से रिड्यूस होगा। आप इसको जितने अच्छे से फॉलो करेंगे उतनी तेजी से आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट शो करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे पता लगेगा कि आपको इससे हेल्प मिली है और आगे आपके लिए और डाइट प्लान्स लेके आने के लिए मुझे मोटिवेटेड रहूंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तक अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो कर दें सो दैट फ्यूचर अपडेट्स आप मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना और अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।